aku pernah bosan sembilan. Ya pernah ya? Sembilan hai kya? Kuch nahi dekhi aap bol chal ki bhasha mein sambidhan hai wo cheez jaise aapke ghar ko chalane ke liye kuch na kuch niyam kayda palan hoga nahi niyam kayda palan aapke ghar ko chalane ke liye usi prakar se desh kaise chalega hamare is pure bharat mein sabse bada sambidhan hai sambidhan se bada hamare bharat mein kuch nahi sambidhan se bada rashtrapati bhi nahi sambidhan se bada pradhanmantri nahi bola ki hamare bharat ka sabse zyada सबसे ऊपर सबसे टॉप पॉइंट पे अगर कोई होगा भारतीय राज्य व्यवस्था में वो व्यक्ति वो कौन सा होगा संविधान होगा और संविधान के अंतर्गत सब कोई चलेगा किसके अनुसार संविधान के अनुसार तो संविधान वो कानून है जिसके अनुसार क्या चलता है हमारा ये देश चलता है इतना बड़ा देश चलता है हमारे देश में कौन क्या करेगा प्रधानमंत्री का क्या काम है राष्ट्रपति का क्या काम है मुख्यमंत्री का क्या काम है आपको क्या अधिकार है आज हम स्वतंत्र हैं हम चले आए और हम पढ़ाने लगे इसको भी मेरा क्या है अधिकार है आप मोबाइल चलाते हैं आपका अधिकार है आप मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल का पासवर्ड कभी भी मांग ले ये भी आपका अधिकार है आपका पासवर्ड मांग सकता है प्राइवेसी का अधिकार है हम प्राइवेसी आपकी स्वेच्छा है तो हमसे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब अधिकार दिया आपको सोने का अधिकार है आपको भोजन का अधिकार है आपको भरपूर नींद लेने का भी नींद लेने का ऐसा मतलब नहीं है 16 घंटा नींद लेने समझ गए मतलब आपको किसका अधिकार है नींद का अधिकार है आप लोग देखते हैं जो प्रसूति महिलाएं होती होगी उसको सरकार क्या करती है आर्थिक सहायता देती है ताकि बच्चे का अच्छे से पोषण हो सके वो भी हमारे संविधान में लिखा है कि महिला प्रसूति महिलाओं का सहायता कीजिए राज्य राज का ये कर्तव्य होगा आपको तो पुलिस पुलिस पकड़ ले मनमाने ढंग से तो पुलिस के खिलाफ भी केस होता है ऐसा नहीं कि सब सब एक दूसरे से जटी रहे बड़े में पॉलिटी समझ में आएगा आपको लगेगा ये बड़ा है डिसाइड कर पाइएगा कभी बोलेंगे हम राष्ट्रपति बड़ा कभी बोल देंगे ना वास्तविक कौन है प्रधानमंत्री है वास्तविक प्रधान कौन है प्रधानमंत्री है फिर आपको कभी लगेगा राष्ट्रपति ठीक है समझ गए हमारा संविधान इस भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा जटिल और सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान और भारत का संविधान वैसा संविधान है समझ गए जिससे पूरा इतना भारत वर्ष पूरा का पूरा देश कहता है कि लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे देश का संविधान बना था 60 देशों का अध्ययन करने के बाद 60 अब ठीक है 60 देशों का अध्ययन किया 60 देशों के संविधान को पढ़ा बीएन रॉ होते बीएन रॉ संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे पढ़ने के बाद हमारा एकदम विस्तृत संविधान और अब इससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है और उसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे जैसे आपके घर को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कायदा कानून है सर को चलाने के लिए पूरा का पूरा देखिए नोटिस बोर्ड है लेकिन कुछ ना कुछ नियम कायदा है उसी प्रकार से अगर इतना बड़ा देश है इतना बड़ा देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नोटिस बोर्ड होना चाहिए वही नोटिस बोर्ड है आपका संविधान वही है कानून वही है संविधान और उसी के अनुसार देश चलता है और कुछ नहीं एक लॉज में रहते होंगे ना लड़की लोग के लॉज में लॉज पानी छिपका देता है लड़की लोग का 6 बजे आ जाना है इतना बजे निकलना है निकलोगे सिग्नेचर आओगे तो सिग्नेचर पापा का नंबर बगल में लिख के रखोगे जैसे इधर उधर हुआ पापा को कॉल तुरंत जाएगा 17 प्रकार का नियम कानून है ना एक छोटा सा चीज है उसमें क्या है नियम कायदा कानून है ऐसे इतना बड़ा देश है कुछ ना कुछ नियम कायदा कानून होगा कि नहीं तो हमारे देश का जो ये संविधान है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ ऐसे हो गया संविधान के बारे में हम जाने क्या आजाद हुए और संविधान के बारे में जानिए नहीं हमारे देश को अगर कहिएगा ना शिक्षा के बारे में आधुनिक शिक्षा के बारे में सिखाया उसे अंग्रेजों ने हमारे संविधान का पृष्ठभूमि तैयार कहाँ से होता है अंग्रेजों के आगमन से अंग्रेज जब भारत आए सुनिएगा अंग्रेज जब भारत आ रहे थे हमारे भारत आ रहे थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था महारानी यानी ब्रिटेन की महारानी थी महारानी ने क्या किया था एक अधिकार पत्र एक आदेश पत्र एक घोषणा पत्र लिखा था 1600 ईस्वी में और उस घोषणा पत्र में लिखा था
कुल 213 व्यक्ति का साझेदार कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वोत्तर राज्य पूर्वोत्तर देशों में यानी पूर्वी देशों में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। और व्यापार कर सकते हैं तो हम लोग को अधिकार देते हैं 21 वर्ष तक तुम व्यापार करोगे, फलाना उसके बाद युद्ध भी होगा तो तुम करोगे, वहाँ किसी भी राजा से संधि करना होगा तो तुम करोगे। एक आदेश जारी किया था किसने, ब्रिटेन की महारानी ने, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो जाएगी भारत वहां जाके कैसे कैसे शासन चलाएगी, और शासन के बारे में आदेश लिखा था, एक घोषणा पत्र लिखा था। हमारे भारत में सबसे पहली बार घोषणा पत्र आया था कहां से, ब्रिटेन से, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और हमारे भारत का शुरुआत माना जाता है संविधान का पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास का क्रम, पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है संवैधानिक विकास का क्रम, संवैधानिक विकास यानी संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, सबसे पहला आया और उसी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर देगी, शासन कर देगी। 1600 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया उसी घोषणा पत्र के अनुसार, समय समय के साथ घोषणा पत्र को क्या करते रहता था, अपडेट करते रहता था, शासन किया। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1764 ईस्वी में लड़ लिया कौन, बक्सर का युद्ध, और ये युद्ध बन गया इंटरनेशनल, पूरे के पूरे विदेश के मीडियाओं में क्या हुआ, छपा, पूरे के पूरे विदेश के मीडियाओं में छपा, और मीडियाओं में छपने के बाद तो ब्रिटेन की संसद ने भी ये बात को पढ़ा, भैया तुमको हम भेजे थे बिजनेस करने, तुम जाके वहाँ लड़ाई मार दंगा कर रहे हो, राजनीतिक चीज में तुमको हस्तक्षेप करने के लिए बोले थे, सब चीज का सवाल उठने लगा कहाँ में, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहाँ उठने लगा। तो जो विपक्षी पार्टी बोलेगा ना, देखो भैया तुम उसको वहाँ भेज रहे हो व्यापार करने, पूजा के मार दंगा कर रहे हो, वहाँ के आदमी का कुछ अधिकार नहीं है, इस चीज को लेके आवाज उठने लगा। और 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध, और 1764 ईस्वी से लेके 1772 ईस्वी तक बंगाल में क्या लगा दिया था, रॉयल शासन, ऐसे मोटे तौर पे 1765 माना जाता है, समझ गए, 1764 में बक्सर युद्ध के बाद लगा दिया रॉयल शासन, बंगाल में रॉयल शासन लगा दिया, और बंगाल को लूटा गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इतना लूटा गया बोलिए मत, बोला बंगाल को लूट के क्या कर दो, समाप्त कर दो, कहता है बंगाल को इतना लूटा जो बंगाल की सोने की चिड़िया हुआ करती थी, पूरा का पूरा कंकड़ बालू पत्थर भी बदल गया बंगाल, बंगाल जो सोने की चिड़िया हुए लोहा मेरे बदल रहा, इतना लूटा कि कंकड़ बालू पत्थर बन गया, तब समझ लीजिए। और रॉबर्ट क्लाइव इस वैध शासन में इतना पैसा लूट के लेके गया कहा, ब्रिटेन, इतना पैसा लूट के गया, 1772 ईस्वी में एक रिपोर्ट आया, ब्रिटेन का अमीर व्यक्ति का संपत्ति का नहीं आता है, टॉप अमीर व्यक्ति हमारे देश का भारत का, उसमें 10 लिस्ट में रैंकिंग में टॉप 10 में था कोई, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटेन के संसद का दिमाग खुल गया, बोला एक मामूली सेनापति था कंपनी का सेनापति वायसराय, बोले तो गवर्नर इसको इतना संपत्ति की ब्रिटेन में, तो पूछा इसको बुला के ब्रिटेन के संसद में, तुमको इतना कैसे पैसा आया, बोला कि हमको गिफ्ट देता था, बोला कौन गिफ्ट देता था, बोला ब्रिटेन के भारत के जो राजा महाराजा थे हमको गिफ्ट देता, बोला कौन दिया था, बोला मीर कासिम दिया था, मीर जाफर दिया था, बोला इतना पैसा, बोला हाँ और अपना भी व्यापार करते थे वहाँ, बोला ठीक है इसको तो छोड़ दिया, बोला आज से सब में नकेल कसो, और 1773 ईस्वी में भारत में बना के भेजा सबसे पहला कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा 1773 ईस्वी में, सबसे पहला एक्ट भेजा रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट मतलब चलाना, रेगुलेट होता है ना, पंखा में देखते हैं पोल में लगा रहता है रेगुलेटर, पंखा स्पीड पर रेगुलेट करते हैं ना, उसी प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा ब्रिटेन ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एगो एक्ट बना के भेजा, एगो कानून बना के भेजा, बताया कि तुमको कैसे कैसे शासन करना है भारत में, तुम सही से शासन प्रशासन कर नहीं रहे हो,
मतलब भारत में चलाने के लिए तुमको एगो रेगुलेटिंग एक्ट भेजते हैं, और सबसे पहला एक्ट बना के भेजा किसने, अंग्रेजों ने ब्रिटिश की संसद ने। बोला सबसे पहला नियम बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का उपहार नहीं लोगे। सबसे पहला बोला कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति क्या नहीं लोगे, उपहार नहीं लोगे। दूसरा अपना बिजनेस नहीं करोगे, यही ना मनवाना, अपना लाभ होगा तब ना अति करता है मनवाना। बोला कि नहीं तुम एक भी अपना बिजनेस करोगे, ना ही तुम किसी भी प्रकार का क्या करोगे, उपहार दोगे। इस पे प्रतिबंध लगाया, बोला सब होगा। और दूसरा बोला इस चीज को देख रेख करने के लिए हम एक न्यायालय का स्थापना करते हैं। इसका करते हैं स्थापना न्यायालय का, एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया, इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहली बार था हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। और कहां किया गया, कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता में सबसे पहला इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। बोला कि गड़बड़ सड़बड़ करोगे कुछ भी तो सब का देख रेख करवाएंगे इस चीज के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया कब, 1774 में, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया तो सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, एलिजा इम्पे। कौन बनी थी, एलिजा इम्पे बनी थी। और तीन वो अन्य न्यायाधीश था जिसका नाम था लिमेस्टर, लिमेस्टर हाइट और चैम्बर्स, हाइट और लिमेस्टर हाइट और चैम्बर्स, तीन वो अन्य न्यायाधीश था। और ये वो था कौन सा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आप लोग को लग रहा होगा मैं लाभ ये नहीं जान पे न्यायाधीश को बना के भेजा। और भारत में क्या स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। किसका स्थापना हुआ, सुप्रीम कोर्ट का। और भारत में संविधान की पृष्ठभूमि बनना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपसे पूछेगा प्लासी का युद्ध, इसके बाद बोलेगा बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक, 1765 से लेके। और बोलेगा कि ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने सबसे पहला एक्ट बना के कब भेजा था, 1773 में। बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब किया गया था, 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश कौन सब थे, और कहां में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। आप इतने चीजों को याद रखिएगा, बोली थी हम इससे आगे कल बढ़ेंगे, समझ गए। और ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है पॉलिटी, और यहाँ से पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में, समझ गए। पॉलिटी भी पढ़ेंगे,